सब्सक्राइब करिए माला की रसोई चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम काले तिल का लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है और स्वाद में भरपूर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कटोरी काला तिल है जो हम अच्छी तरह से इन्हें धुलकर और साफ कर लिए हैं, धूप में सुखा दिए हैं, ये अच्छी तरह सूख गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ है जो कि हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ के रख लिए हैं। दोनों क्वांटिटी बराबर हम रखे हैं, आप चाहें तो कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ पे घी है, जो घी है हमारे गाय का शुद्ध घी है। यहाँ पे जो है अदरक है जिसे हम क्रश करके रख लिए हैं। तो आइए चलते हैं अपने कढ़ाई के तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन रखे हैं जो कि गर्म हो गया है। अब इसमें हम तेल डालकर मीडियम आंच का हमें ज़रूरत है इस समय, तो ये ध्यान रहे कि मीडियम आंच ही होना चाहिए इस समय। तो आप सुन सकते हैं हल्का हल्का चटकना चालू हो गया है। और ये ध्यान रहे, तिल जब हमारा बिल्कुल परफेक्ट होता है तो अभी देखिए इसमें जो है सही से नहीं हुआ है, फूल जाता है। और उसके बाद जब आप इस तरह से मसलेंगे तो उसमें से भूसी अलग हो जाएगी, छिलका जो है। तो अभी हमारा अच्छी तरह से हुआ नहीं है। काले तिल के फायदे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। काले तिल में इतना फायदा है कि आपसे हम क्या बताएं। जैसे कि पुराना से पुराना अगर आपको बवासीर हुआ हो या आपके शरीर में ज़्यादा फैट हो, तो ये चार महीना में, जैसे कि हमारा दिसंबर से लेके मार्च तक, आप खूब अच्छी तरह से इनका लड्डू बनाकर डेली यूज करिए। आपके बवासीर में तो हद तक फायदा हो जाएगा और ये जो आपका फैट है इनके लिए भी ये तिल, काला तिल जो है रामबाण ही है। आप अच्छी तरह से इन्हें डेली रेगुलर यूज करिए, इसका फायदा आपको देख के आपको हैरानी हो जाएगी। अगर नहीं आप लड्डू बनाते हैं तो इन्हें बारीक इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच खाली पेट लीजिए आप, तो काफ़ी हद तक फायदा है आपको करेगा। बवासीर के मरीज के लिए तो इन्हें रेगुलर यूज करना चाहिए। तो अब हमारा तिल जो है एकदम रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। आप देखिए इसका छिलका अलग हो गया। अब उतार देते हैं हम। अब उसी पैन में हम घी डालते हैं। तो घी जो हमारा है छोटे चम्मच से, एक चम्मच घी है, और इसी घी में हम ये अदरक है जो, इसे हम फ्राई कर देते हैं। बिल्कुल इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सुनहरा हो गया। अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। अगर आपके पास सौंठ हो तो सौंठ का यूज भी आप कर सकते हैं। और इसमें जो है दो चम्मच पानी हम डाल के इन्हें एक तरह से चलाते हुए हम धीमी आंच पे गला देंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पकना चालू हो गया। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम इसे मसल कर और बिल्कुल इन्हें हम इसमें गला लेते हैं।
तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि हमारा पाक तैयार है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, किसी भी कटोरी में पानी लीजिए और इस तरह से इन्हें चेक कर लीजिए। तो एकदम हमारा पाक जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आइए अब हम उतार देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। इसमें हम तिल डाल देते हैं और डाल के इन्हें इस तरह से हम बिल्कुल मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो इन्हें इस तरह से मिलाते हुए बस हम थोड़ी देर के लिए इन्हें ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ठंडा हो गया है हमारा। अब लड्डू हम आराम से बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इसे इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो है लड्डू बन के तैयार हो रहा है। और इन्हें इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रहे कि इसमें हम घी का लगा दिए हैं हल्का सा प्लेट में। थोड़ा दबाते हुए और इस तरह से घी लगा लीजिए हाथ में ताकि सुंदर आपका लड्डू दिखने में लगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम पूरा लड्डू बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक-एक लड्डू हम इस तरह से बना के रख लिए हैं और बहुत अच्छा लड्डू हमारा बन के तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें मूंगफली भूनकर और उसका छिलका उतार कर इसमें मिलाकर बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट होगा। आइए आपको हम दिखाते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम मेरा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।